नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता दरबार और मैं आपके साथ ज्योति राघव। खबर जयपुर से, जहां जयपुर के किशनपोल विधानसभा क्षेत्र से विधायक और कांग्रेस के प्रत्याशी अमीन कागजी ने अपनी पहली पत्नी को तलाक दिए बिना ही दूसरी शादी कर ली है और इसका खुलासा हाल ही में हुआ है। आपको बता दें कि उनकी पहली पत्नी का नाम रेशमा है, जिनसे उनके 4 पुत्र पुत्रियां हैं। बता दें कि 50 साल के कांग्रेस MLA ने हिंदू युवती से दूसरी शादी की है और इसका पता उन्होंने अपने चुनावी नामांकन पत्र के साथ भरे शपथ पत्र में किया है। बता दें कि शपथ पत्र में मोनिका शर्मा कागजी के नाम से दूसरी पत्नी का जिक्र किया गया है। वहीं बात करें कागजी की संपत्ति की, तो 5 साल में 94.78 लाख संपत्ति कम हो गई है। नामांकन में किशनपोल विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी अमीन कागजी ने जो शपथ पत्र और उससे संबंधित दस्तावेज रिटर्निंग अधिकारी को जमा करवाए, उनमें उनके विवाह को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पिछले चुनाव के दौरान जो शपथ पत्र रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष पेश किया गया था, उसमें रेशमा को ही पत्नी के रूप में दर्शाया गया था। अमीन कागजी ने इस बार रेशमा के अलावा मोनिका शर्मा कागजी का भी पत्नी के रूप में शपथ पत्र में जिक्र किया है। इसको लेकर चर्चाएं भी खूब है। उधर इस बारे में कागजी का कहना है कि शपथ पत्र में जो लिखा है वो बिल्कुल सही है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं और खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए जनता दरबार।